सत श्री अकाल जी, मैं दलजीत दुसांझ। मैं थोड़े नाल एक गल करनी चाहुंदा। मैं एक वीडियो देखी है जिहदे बारे मैं थोड़े नाल गल करनी है, थोड़े नाल भी ते एक कांग्रेस के एम पी ने, मैं उन्होंने भी संबोधन होना चाहुंदा। शायद उन्होंने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। उन्होंने मेरे एक गाने तो प्रॉब्लम है जिहड़ा मैं गा के सोशल मीडिया से पिछले दौरान पाया। गाने का नाम है रंगरूट, फिल्म पंजाब 1984 मैं वह गाया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यह दसा जी कि जिहड़ा गाना मैं गा के पाया सोशल मीडिया से, यह कोई गाना नवा नहीं है। यह 2014 च फिल्म रिलीज़ हुई थी पंजाब 1984, उस गाना गाया गया। इंडियन गवर्नमेंट सेंसर बोर्ड वालों फिल्म पास है, वह हर एक सीन, वह हर एक गाना पास होकर थिएटर के चलिया, हर पंजाबी चैनल के उत्ते चलिया। जदों फिल्म इंडियन गवर्नमेंट सेंसर बोर्ड पास करती है उदों ही थिएटर च लगती है, उदों ही उसका गाना बज सकता है, उदों ही उसके सीन जिहड़े थिएटर च चल सकते हैं। सो मैं पहला तो यह दसना चाहवागा कि जिहड़ा मैं गाना गाया वह ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट सेंसर बोर्ड तो पास है। सैकेंड गल मैं तुहानूं यह भी दसनी चाहुंदा जी कि यह जिहड़ी फिल्म की गल हो रही है, जिहड़े गाने की गल हो रही है, फिल्म पंजाब 1984 नूं इंडिया वालों नैशनल अवार्ड प्राप्त है। सो जिहड़ी फिल्म नूं नैशनल अवार्ड मिलिया होवे, उस फिल्म के गाने नूं जिहड़ा 2014 च रिलीज़ होया होवे, उहनूं अपने सोशल मीडिया से गा के पाउण के खिलाफ अज सर कह रहे हैं कि परचा दर्ज होना चाहिए। वो किस तरह हुण हो सकता है मैनूं उस गल का नहीं पता, तुसीं अपनी राय जरूर दिओ। जिहड़ी फिल्म नूं नैशनल अवार्ड मिलिया होवे, जिहड़ी फिल्म सेंसर बोर्ड तो पास होवे, जिहदा हर एक गाना सेंसर बोर्ड तो पास होवे, हर एक सीन सेंसर बोर्ड तो पास होकर थिएटर चलिया होवे, अज उहनूं मुद्दा क्यों बनाया जा रहा, अज उस बिहाफ ते किदां परचा दर्ज हो सकता, मैनूं शायद उस गल का नहीं पता, तुसीं अपनी राय जरूर दिओ। हां, मैं एक गल जरूर कहनी चाहुंदा कि मैं इंडिया का टैक्स पेयर नागरिक हाँ। जदों भी कोई प्रॉब्लम आई है इंडिया से या पंजाब से, असीं हमेशा मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के खड़े हैं। बट अज इस गल नूं क्यों मुद्दा बनाया जा रहा मैनूं इस गल का नहीं पता। शायद सर नूं यह गल क्लीयर हो गई होवे, शायद मैं समझा सकिया होवां जो मैं कहना चाहुंदा। बाकी तुसीं अपनी राय जरूर दिओ। बहुत बहुत प्यार सारयां नूं, सति श्री अकाल। महाराज तुहानूं सारयां नूं चढ़दी कला रखा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअत सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू ने अब्दुलजीत दोसांझ और जयजीवी को जेल भेजने की बात कही है। रवनीत सिंह की माने तो दिलजीत दोसांझ और जयजीवी खालिस्तान एजेंडे को बढ़ावा देने वाले गाने बनाते हैं। दरअसल रंजीत सिंह ने अपने सोशल मीडिया के जरिए दिलजीत दोसांझ और जयजीवी को चेतावनी देते हुए कहा कि आप दोनों अपने गानों के द्वारा खालिस्तानी एजेंडे को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बताते चले, रंजीत सिंह ने यह आरोप दिलजीत के सॉन्ग रंगरूट और जयजीवी के सॉन्ग खुद जट्टा दा पर लगाए हैं। रंजीत ने लिखा है कि अगर आपको पंजाब के लोग बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं तो जेल की हवा भी खिला सकते हैं। आप लोग पंजाब का खाकर अब देश और पंजाब के खिलाफ गद्दारी कर रहे हो। क्यों आप पंजाब के नौजवानों के खून के प्यासे हो गए? हमारे बच्चों को हथियार उठाने को कह रहे हो? आपकी ये गलतियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बताते चलें, रंजीत सिंह ने दिलजीत और जयजीवी के खिलाफ देशद्रोह की शिकायत करने की मांग की है। वहीं दिलजीत दोसांझ ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी सफाई रखी। उन्होंने कहा कि जिस गाने पर आपत्ति जताई जा रही है वो गाना साल 2014 की फिल्म पंजाब 1984 का है। इस फिल्म और उसके गाने को सेंसर बोर्ड ने मंजूरी दी थी। अगर इसमें कोई आपत्तिजनक बात होती तो सेंसर बोर्ड पास क्यों करता और साथ ही इस फिल्म को नेशनल अवार्ड के लिए क्यों चुना जाता? सांसद रवनीत सिंह बिट्टू एक बार फिर से फिल्म और गाने को देखें और ये ठीक से समझ लें कि मैंने देश के खिलाफ कुछ भी नहीं किया है। मैं भारत में टैक्स देता हूं और हमेशा भारत के साथ खड़ा हूं। गौरतलब है कि जयजीवी का रिएक्शन इस मामले पर अभी तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन अंदेशा है कि जिस तरह रंजीत सिंह दोनों सिंगर्स के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग कर रहे हैं, उससे जयजीवी भी अपनी सफाई इस मामले पर जरूर रखेंगे। वेल, जब तक के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मिलता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।